भाई पेट्रोल पंप पे सिर्फ अफवाह है, पूरा पेट्रोल पंप डचे खुले है सिर्फ। आप अपनी खाली आगे धर रही स्टॉप के वजह से, आप देखिए अगर स्टॉप अगर रहता है तो ये गाड़ियाँ नहीं आती थे, पेट्रोल पंप से गाड़ियाँ उतर रहे इधर। पेट्रोल है अभी आपके पास? पेट्रोल है। केंद्र सरकार ऐसे नए नए कानून लाती है जिससे देश की जनता कहीं ना कहीं किसी रूप से परेशान होती नजर आती है। ऐसे ही हिट एंड रन कानून में बड़ा बदलाव कर अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना लग सकता था। इसी के तहत ड्राइवरों ने हिट एंड रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध किया और देश भर में बड़े वाहनों के ड्राइवरों ने हड़ताल पर रहे और चक्का जाम कर रखा था, जिससे लोगों को ट्रांसपोर्ट से जुड़े कामों में दिक्कत होने लगी और पेट्रोल पंप्स बंद होने लगे। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट एंड रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हुआ, देश भर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर रहे और चक्का जाम कर कानूनों का लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर शाम होते होते गृह मंत्रालय के केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्ट संगठन की बैठक हुई और उन्हें यह आश्वासन मिला कि यह कानून अब लागू नहीं होगा। इसके बाद संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हुआ, जिससे अब यह देखा जा सकता है कि शहर में अब ट्रांसपोर्ट बहाल होगी और पेट्रोल पंप्स पर लोगों को पेट्रोल मिलना शुरू होगा। हैदराबाद से मोहम्मद रईस की खास रिपोर्ट। बादलों में नहीं मिलता, लाइन में धरना अच्छा। आप बड़े भाई।